अभी बस स्टैंड नागौर का ये है और यहाँ से ये वीडियो शुरू कर रहे हैं और आज हम नागौर सिटी को देखने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें, आपको अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। ये बस स्टैंड के पास वल्लभ चौक और ये यहाँ का व्यू और ये साथ में ही यहाँ पर बस स्टैंड है और ये मेरा होटल है यहाँ पर जहाँ मैं रुका हूँ। आइए चलते हैं। और ये पीछे वल्लभ चौक जहाँ से हमने ऑटो में ये हमारा सफ़र शुरू कर दिया है और यहाँ से अभी हम इस ऑटो में गांधी चौक तक जाएंगे। गांधी चौक यहाँ से नज़दीक ही है और शेयरिंग में ये 10 रुपया यहाँ से लेता है वल्लभ चौक से बस स्टैंड से गांधी चौक तक का, जहाँ पर मेन चौक है और गढ़ है वो सब है। तो इस ऑटो में हम गांधी चौक तक चल रहे हैं, बने रहे हैं आप। और ये दिल्ली दरवाज़ा हमने क्रॉस करके आगे आगे हैं अभी गांधी चौक की तरफ। और ये कौन सा बाजार आ गया? ये दिल्ली दरवाजा जा रहा है, ये आगे आएगा। दिल्ली दरवाजा का बाजार ये बाजार तो इसे शानदार बाजार का फोटो जनाब, बाजार का फोटो अच्छा आएगा। भैया बोलता है हमारे साथ में भाई बैठा है, ये क्या नाम आपका है? क्या बबलू भाई बोल रहे हैं, शर्माता है बबलू आज तक। बेजार का फोटो अच्छा आएगा बोलता है, बेजार का फोटो भी खींचेंगे। बाजार को बेजार बोलते हैं, बेजार बाजार को बेजार बोलते हैं ये लोग, ऐसा लगता है। और ये एक और गेट, यहाँ इस रास्ते से हम आए हैं ऑटो से, ऑटो वाले ने हमें यहाँ उतार दिया इस दुकान के आगे। और ये पुस्तकालय है यहाँ पर, श्री नागौर पुस्तकालय 1956 में बना हुआ, अभी पुराना है। और ये यहाँ का गढ़ और ये गांधी चौक, गांधी जी की मूर्ति जहाँ पर लगी हुई है, यहाँ ये गाने चल रहे हैं भाई के पास बोल जाते हैं। और ये एक बड़ा सा मीनार बना हुआ और इधर ये मस्जिद लाल पत्थर से बनी हुई और ये यहाँ खिलजियों का पोल का रास्ता। और ये अही छत्तरगढ़, इस किले का नाम जो नागौर का किला है। और ये गांधी जी की मूर्ति के बिल्कुल सामने ही किला और ये इसका दरवाज़ा देखिए, कितना बड़ा दरवाज़ा और कितना हाइट में ये पूरा बनाया हुआ। और इसमें ये लोहे की, देखिए आप लोहे से हर एक पत्ती जो लगी हुई है उसके ऊपर कलाकारी की हुई है, आप देखें एक एक पत्ती को। और ये नीचे का हिस्सा और ऊपर आप देखेंगे तो ये कीलें लगी हुई है, उस टाइम के हिसाब से हाथियों से घोड़ों से लड़ा जाता था तो हाथी आके यहाँ नहीं मारे, इसके लिए ये सब बनाया हुआ था। और ये यहाँ का पत्थर जो बना हुआ है वो देखें आप, कितना मोटा मोटा पत्थर पे कलाकारी की गई है। और ये मेन गेट के सामने ही जो दरवाजे बने हैं और ये ऊपर जो सीढ़ियाँ बनी हैं। और ये सामने का जब हम एंट्री करते हैं तो वो व्यू है, काफ़ी बड़ा ये किला। और ये यहाँ कुछ निर्देश किले में आने वाले लोगों के लिए। और ये आप देखें यहाँ काफ़ी बड़ा किला है और ये गेट के अंदर आते ही ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, पत्थर से पूरी गढ़ाई करके। ये देखिए पिलर जो है वो पत्थर के ही बने हुए, ऊपर भी पत्थर की कलाकारी। और ये पानी निकलने के जो आजकल पाइप यूज करते हैं ये भी पत्थर के बना के लगाए हुए, ये देखिए आप
छत का पानी नीचे आने के लिए। और ये किले का सामने से व्यू। अभी हम किले में अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी 5 से ऊपर टाइम हो गया है, 5 बजे ये बंद हो जाता है, तो इसलिए मैं यहीं से आपको दिखा पा रहा हूँ और मैं भी देख पा रहा हूँ। कल टाइम बचेगा तो कल देखेंगे। ये यहाँ गार्ड साहब है जिन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे ओपन होता है और 5 बजे ये बंद हो जाता है। तो आइए और नागौर को देखते हैं। अभी हमने किला देखा और ये किले के सामने ही जो गेट बने हुए हैं यहाँ पर पुराना बाज़ार। आइए चलते हैं। और ये गेट से हम अंदर आए हैं, ये जो गेट है तो ये अंदर की साइड का व्यू है। ये यहाँ एक अच्छी सी मस्जिद बनाई हुई है लाल पत्थर की। और ये सामने का पूरा व्यू। और ये यहाँ कस्बा पुलिस चौकी गांधी चौक। और यहाँ ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग। आइए इस बाज़ार में अंदर चलते हैं। ये पुराना यहाँ का बाज़ार, नागौर का पुराना बाज़ार। ये इधर से हम चल के आए हैं और ये काफ़ी कंजस्टेड बाज़ार। आइए अंदर चलते हैं। और ये यहाँ कटला बना हुआ, अंदर तक दुकानें। और इधर से इस बाज़ार से हम चल के आए हैं, काफ़ी संकड़ी गलियाँ में ये बाज़ार है इनका मेन बाज़ार ये नागौर का। और ये यहाँ सब कुछ हिसाब किताब। और ये भाई गंगाराम जी से हमने ये पेठा ले लिया है और ये सब चीज़ें, और इनसे थोड़ी बातें भी हुई। और अभी आगे देखते हैं। इधर ये कपड़ा बाज़ार बोलते हैं और इधर सुनारी बाज़ार है। और ये यहाँ एक चौक हो गया, एक रास्ता इधर भी जा रहा है। तो आइए अंदर चलते हैं। ये इस चौक से इधर एक रोड और इधर एक, और ये दुकानें। आइए इसी में अंदर और चलते हैं। और इस बाज़ार से हम चल के आए हैं। ये पूरे बर्तन का बाज़ार और ये बहुत सारा सामान यहाँ मिल रहा है। और ये यहाँ इधर से कपड़ा बाज़ार शुरू हो जाता है। और ये यहाँ काफ़ी पुरानी एक मस्जिद है अंदर, ये देखिए आप। खाली गेट है बस, बाकी तो चारों तरफ दुकानें हैं बाहर, तो अंदर मस्जिद है। आइए अंदर चलते हैं और आगे मार्केट में। इस बाज़ार से हम चल के आए हैं और आगे ये बाज़ार और भी है। आइए और आगे चलते हैं। राजस्थान आए और नागौरी साफा नहीं देखे, ये कहाँ की बात है। ये नागौरी साफा, ये देखिए, यहाँ से आप नागौरी साफा ले सकते हैं इस बाज़ार के अंदर ही। आइए और आगे चलते हैं। अभी इस बाज़ार से चल के आए हैं और यहाँ तक ये बाज़ार था। ये काफ़ी बड़ा एक बिल्डिंग यहाँ बना हुआ। और आगे अभी रेजिडेंस एरिया चालू हो गया। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।